हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, इसका डेराइव करने वाले, पूरा डेरिवेशन देखने वाले। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल कंपोनेंट। वॉलेटाइल का मतलब आप समझते हैं, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल हो गया जो कि आपका क्या हो सकता है, थोड़ा सा हीट मिले या ना मिले वो अचानक से क्या होगा, उड़ जाएगा। उड़ जाएगा मतलब जैसे आप पाम में रखें, ठीक है, कैम्फर रखे या फिर ऐसा कुछ, तो वो क्या होगा, वो मतलब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से क्या होगा, वो वेपर बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया वोलाटाइल। तो वोलाटाइल कंपोनेंट का ही हम लोग को क्या करना है, डेरिवेशन देखना है। तो इसमें क्या है, जनरली इसमें हम लोग पढ़ते हैं वेपर प्रेशर, एक तरह से कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये होता क्या है एक्चुअली में कि वेपर प्रेशर हम लोग पढ़ते हैं, वेपर प्रेशर, और हम लोग पढ़ते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे गैसेस के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो वॉलेटाइल कंपोनेंट, तो इसका मीनिंग यही होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि दो लिक्विड्स होंगी और आपस में क्या करेगा, उनका वेपर बनेगा जो कि वॉलेटाइल होगा, यानी कि उड़ जाएगा एटमोसफियर के कॉन्टैक्ट में आने से। ठीक है, क्लियर है? चलिए, थोड़ा सा हीट मिला, थोड़ा सा हीट मिलेगा वो उड़ जाएगा तुरंत। तो सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है उसको लिख दिया जाए। तो स्टेटमेंट कहता है, यहाँ पर स्टेटमेंट है हमारा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखिए इसमें जो है ना, अलग अलग राइटर्स के बुक में आपको अलग अलग तरह से मिलेगा। ठीक है, वो सारे तरीके हम आपको बता देंगे। स्टेटमेंट लिखने को आपको सबसे इजी कौन सा होगा, थोड़ा सा हार्ड कौन सा लगेगा, ठीक है, आपको बता देंगे। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जितना हमें पता होगा वो हम आपको बता देंगे। तो देखिए, फॉर वोलाटाइल अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर वोलाटाइल क्या हो जाएगा हमारा, द वेपर प्रेशर, ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा इधर बोर्ड आपको दिख रहा है, चलिए चलिए क्लियर है अब। ओके, तो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज सम ऑफ, देखिए सबसे इजी तो स्टेटमेंट आपका यही है। ठीक है, ये बहुत ही इजी है याद करने में, इसीलिए आपको सबसे पहले यही लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, इज सम ऑफ, वेपर प्रेशर, ऑफ सॉल्वेंट, एंड सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे इजी जो हमें लगता है कि लोगों को याद होगा, याद रखने में इजी होगा, ठीक है, तो वो यही है। ठीक है, ये गलत नहीं है, देखिए गलत इसलिए नहीं बोले क्योंकि अलग अलग राइटर्स के बुक में अलग अलग रहता है। तो एक और हम स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी आप याद कर सकते हैं एज यूजल। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं तो उतनी बुक्स तो नहीं, लेकिन आपको एक और स्टेटमेंट बता रहे जस्ट सेम है, यानी कि और करके आप इसको लिख सकते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, जिनको जो मन, ठीक है, वो याद रख सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दे रखा होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका, अच्छा एक बात और यहाँ पे बताना चाहेंगे हम कि ये जो है आपको, हम ये सिंपल लैंग्वेज में कोई पूछेगा कि राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट होता क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर इन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो अब इसको हम लोग क्या दूसरा नाम बोल सकते हैं, इसको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर बाइनरी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी मतलब पता है आपको, दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स क्या होंगे, पहला हो गया आपका लिक्विड, दूसरा हो गया लिक्विड, ठीक है, यानी कि लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन है। ओके, तो ये भी नाम से बोला जाता है। ठीक है, इसको बता दिए क्या है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, दूसरा जो है आपको कुछ बुक्स में ये भी लिखा रहता है, ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग को हम लिख दे रहे हैं ए सी करके, ठीक है, एज यूजुअल समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, होता क्या है, इसमें क्या कहा जाता है कि द पार्शियल, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख दिया जाए क्योंकि हमें डिराइव भी करना है, ठीक है, इसीलिए तो टू दिस लॉ, द पार्शियल,
प्रेशर, पार्शियल प्रेशर पता है, पी नॉट, ठीक है, पी नॉट ए लिखेंगे हम लोग सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूट के लिए हम लोग बी लिखते हैं, ठीक है, थीके? ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, ओके, बेसिक्स चीज़ें नहीं पता है तो पता चल जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, तो कैसा प्रेशर, तो ये आपका होगा, ठीक है, यहाँ पे ये आपका होगा, डेट इज वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को हम इस तरह शॉर्ट में लिख दे रहे, ठीक है, समझ जाएंगे आप, इज द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट, ठीक है, प्योर कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। अगर हम बात कर लेंगे कि और क्या हो सकता है हमारा, तो सिंपल हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर, याद रखिए, पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के, ये भी हमारा हो सकता है बहुत ही शॉर्ट में। और अदरवाइज अब सबसे शॉर्ट तो ये है, आपको ये बहुत ही ज़्यादा कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा आपका ये अच्छा डेफिनेशन है, ठीक है, बाकियों से, ठीक है, बाकियों से ज़्यादा अच्छा डेफिनेशन ये है, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन हम लोग लिखेंगे यही हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जब फर्स्ट लाइन वी यूज इज डैट ओनली डैट पी एस, या फिर आप बोलो पी टी, वो क्या हो गया हमारा टोटल प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर वॉलेटाइल द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज द सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि जो हमारा वॉलेटाइल का जो लॉ है, यानी कि इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो वेपर प्रेशर होगा, ये वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का, ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, सम होगा, यानी कि प्लस करेंगे हम किसका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, और यही हमें फर्स्ट लाइन लिखना ही है डेरिवेशन में, इसीलिए बहुत ईजी है, इसको याद कर लीजिए आप, बहुत ईजी है। और देखिए दूसरा राइटर, यानी कि दूसरे राइटर का हम लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर यूज किया, यानी कि पी नॉट वाला, ठीक है, पी नॉट वाला यूज किया गया है यहाँ पे फॉर एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट, और ये जो आपको दिखा है बराबर, यानी कि इक्वल्स टू, यहाँ पे दे रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है, प्योर कंपोनेंट यानी कि आपका पी ए हो गया या पी बी हो गया, ठीक है, उसका इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, ए या बी ले लो आप, ठीक है, तो उसके बराबर होगा, तो ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है, याद रखना, ठीक है, तीन आपको हम बताए स्टेटमेंट, तीनों में से कोई भी एक याद रख लीजिए, और सबसे ईजी तो यही है, आप बेहतर होगा कि यही याद रखें, ठीक है। चलिए आप डेरिवेशन पे आते हैं, ठीक है, डिराइव करते हैं, चलिए, क्यों हम बोले इसको याद रखने, क्या मतलब है आपसे, आपका इससे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ये चीज़, ये पी एस यानी कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर हम बोल सकते हैं टोटल प्रेशर भी, ठीक है, बात एक ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिलकर क्या हो गया, टोटल ही हो गया, तो टोटल प्रेशर बोल लो, या फिर टोटल प्रेशर या फिर सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, तो सॉल्यूशन बोल लो, बात एक ही है, तो ठीक है, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, पी ए प्लस पी बी, जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है, और यही तो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिखा है, जो पहले नंबर पे लिखा है, ठीक है, ये वाला, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे इसको, बहुत ही ईजी है, इसको याद रखना, ठीक है, इसको याद रख लेंगे, पहला नंबर हमारा पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है, इसको बना लेंगे, ओके। अब सेकेंड में हम लोग क्या लिखेंगे फिर, कि जो हमारा पी ए है, ठीक है, ये जो पी ए है हमारा, ये क्या है आपका, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, बी से हमारा दिखाते हैं सॉल्यूट को, ए से दिखाते हैं सॉल्वेंट को, यस, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी ए जो होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम बताए ना
तीसरा जो स्टेटमेंट हमारा क्या है, काफी बुक्स में, यूट्यूब में भी हम देखे बहुत सारा वीडियोस में आपका वही जो तीसरा स्टेटमेंट हम जो बताए उस पे ही बहुत सारे मतलब लोग बताए हैं, ठीक है, तो कोई गलत नहीं है। तीन स्टेटमेंट हम आपको बताएं, तीनों स्टेटमेंट्स में आप कोई भी याद कर सकते हैं। क्या बताएं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर वोलेटाइल द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्यूट या सॉल्वेंट, ठीक है। तो आप सॉल्यूट सॉल्वेंट बार बार ना बोलकर कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं वहां पे वर्ड, ठीक है, कि द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? बात समझ में आया? ये बात कर लो या ये बात कर लो, सेम है, ठीक है। और ये जो तीसरा वाला है ना, ये जो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट लिखा है, ये इसके बाद आएगा, ठीक है। तो मतलब उसी में से जो डिराइव हम लोग करते हैं ना, उसी से स्टेटमेंट हमारा बनता है एक्चुअली में, ठीक है। तो चलिए ये आप समझ गए, यहाँ पे पी ए इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका इसके। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो पी ए होगा इक्वल्स टू, अगर हम लगाना है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना पड़ेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक कांस्टेंट लगा सकते हैं हर जगह। देखिए जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट को लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट को लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट क्या होगा हमारा, तो पी ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं पी नॉट ए, ठीक है। पी नॉट ए हमारा यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट यूज किए हैं, और यह है हमारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है, सॉल्वेंट का। क्लियर है? क्लियर है, बात समझ में आ रहा है तो, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे पीबी के लिए ले लेते हैं, पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे हो गया आपका मोल फ्रैक्शन भी। तो यहां से हमें समझ में आता है कि पीबी इक्वल्स टू क्या हो गया, पी नॉट बी इंटू का आपका मोल फ्रैक्शन का बी, ठीक, यानी कि सॉल्यूट का। ये आप दोनों मिला के आप क्या कर लो, इक्वेशन नंबर टू बना लीजिए, ठीक है। क्लियर है ना, इतना समझ में आ रहा है? ओके, बहुत ही स्मूथली चल रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ तक तो, क्लियर है एकदम। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वन एंड टू, ठीक है। अब दो जो हमें इक्वेशन मिला है हम उसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। किस में पुट करेंगे, पीटी या पीएस, जो बोल सकते हैं कुछ भी बोलो, ठीक है, दोनों बात एक ही है। पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन का बी, ठीक है, हो जाएगा। तो क्लियर है, ये हो गया हमारा, पुट कर दिए बस, इसके जगह पे हम क्या किए, ये रख दिए, इसके जगह पे हम ये रख दिए। क्लियर है ना, बहुत ही आराम से समझिए, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है ये। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का दोनों को मिला के हमारा वन होता है, वन होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल्स में भी बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं यूज करके, ठीक है। तो ये हमें पता है, तो यहां से अगर मान लीजिए कोई भी एक आप उठा लीजिए, मान लीजिए हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वन माइनस मोल फ्रैक्शन ए करेंगे, तो ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इसको क्या किया, बस इस साइड भेज दिए, ठीक है, तो ये हमारा मिला, इसको बॉक्स में बंद कर दिए, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे हम इसको रख सकते हैं, तो ठीक है, समझ में आ रहा, बहुत ही आराम से समझा रहे। इसको देखिए यहाँ पे इसकी जगह पे हम एक्स बी, यानी कि इसके जगह पे हम लोग एक्स ए को रख सकते हैं, वन माइनस एक्स ए, ठीक है, रखते। चलिए देखिए यहाँ पे आप पी टी या पी एस बोल दीजिए, ठीक है, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी नॉट ए और यहाँ पे एक्स ए प्लस, एक्स नहीं है एक्चुअली, हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन है ना, ये चाय पढ़ सकते हैं, ठीक है, चाय चाय ये आप बोल सकते हैं, चाय नहीं काई बोलते हैं, ठीक है, एक्चुअली में काई बोलते हैं, जीटा बोलते हैं, पता नहीं बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। चलिए ये मोल फ्रैक्शन है, हम लोग मोल फ्रैक्शन ही रखते हैं, ठीक है, और एक्स से ही हम बात करते हैं, ठीक है, समझ में आना चाहिए बस। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, अब ये हमारा ये एज इट इज, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, वन माइनस एक्स ए, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हम इसको ब्रैकेट को क्या करेंगे, खोलेंगे, ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है, प्लस का पी नॉट बी माइनस का पी नॉट बी इंटू एक्स बी आ जाएगा, अच्छा एक्स ए है, सॉरी एक्स ए, ठीक है, आ गया। तो ओके फाइन,
अब इतना आगे, अब आपको क्या करना है, कुछ कॉमन वगैरह निकालना है तो कॉमन निकाल लेंगे, पीएस लिखो या पीटी लिखिए, ठीक है, बात एक ही है। क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए यहाँ आया ना, तो ये आप नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिएगा, ठीक है। हमें थोड़ा सा स्पेस कम लगा तो हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, क्या कॉमन निकलेगा, पीबी कॉमन निकल सकता है क्या, देख सकते हैं आप, ठीक है, क्या कॉमन निकलेगा वो देखते हैं। तो पीबी तो हमें नहीं नजर आ रहा कि ये कॉमन निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे पी नॉट बी, ठीक है, अगर है तो इधर पी नॉट ए है, तो हम ये यहाँ से दिख रहा है कि ये एक्स ए और यहाँ एक्स ए, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसको हम निकाले थे, कैसे निकालेंगे, पी नॉट ए लिखेंगे, ठीक है, ये रख लिए, और हम क्या कर लेते हैं, और इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको निकाल लेते हैं, मतलब क्या, माइनस का हो जाएगा पी नॉट बी, ठीक है, तो माइनस का पी नॉट बी, ठीक है, ये और ये साथ में कर लेते हैं, इसको हम बाद में लिख दे क्या, इसको हम बाद में लिख दे ताकि आपको सुविधा हो, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं, प्लस का पी नॉट बी है ना, तो इसको रहने दे रहे, ठीक है, इसको बस थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, एक साथ कर ले रहे, पी नॉट बी इंटू एक्स ए, ये है ना, और यहाँ पे आपको शिफ्ट कर दे रहे, प्लस का क्या था हमारा, पी नॉट बी था, ठीक है, बस इसको इस तरफ कर दिया ताकि एक जैसा लगे, बस वही किए है और कुछ किए नहीं, एक जैसा लगने के लिए बस किए। अच्छा, तो हम लोग यहाँ से क्या किए, एक्स ए निकाल लिए बाहर, निकाल लिए, ठीक है, हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे एक्स ए कॉमन, तो हमारे पास पी नॉट ए, ठीक है, ये पी नॉट ए और पी नॉट बी निकला, तो चलिए समझ में आ रहा है बात, तो यहाँ से पी नॉट बी जो है प्लस का रह गया, ठीक है, तो ये जो है हमारा पूरा डेरिवेशन हो गया। अब थोड़ा सा और बात है जो हमें लिखना है, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास स्पेस कम है, ठीक है, स्पेस हमारे पास कम है, इसको हम क्या करें, थोड़ा सा बात और लिखना है हमें, लिख देंगे, ठीक है, लिख दे रहे हैं, आपको छूटेगा नहीं कुछ भी आपका, ठीक है, ये आपका डिराइव हो गया, ठीक है, ऐसे टिक कर दे रहे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ बातें लिखेंगे, ठीक है, इसको हम हटा दें क्या, देखिए हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से हम हटा रहे हैं, आगे का थोड़ा सा लिखना है हमें, तो देखिए चलिए इसको हटाया जाए, थोड़ा सा हमें काम है बस, ठीक है, उसको हटा के थोड़ा सा हमें बस काम है, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए। तो अब यहाँ से लिखते हैं, देखिए तो हमारा डेरिवेशन यहाँ पे क्या आया कि पी एस या पी टी बोल लीजिए इक्वल्स टू क्या आया है हमारा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और ये हमारा कॉमन यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक्स ए कॉमन है और प्लस का पी नॉट बी है, ठीक है, ये हमारा पूरा डिराइव करके आ गया, ठीक, यही है आपका डेरिवेशन, ठीक है, यही चीज़ हम ऊपर लिख दिए हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हमें थोड़ा सा बात लिखना था वो लिख देते हैं, क्या क्या है इसमें वो चीज़ लिखना है हमें, ठीक है, मेन एक्चुअली वही बात है, इसको भी हटा दे रहे, इसको भी हटा दे रहे, ठीक है, नोट कर लिया कीजिए आप पॉज करके, ठीक है, नोट कर लिया कीजिए समझ कर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से देखिए पी ए क्या है हमारा, ठीक है, पी ए है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, पी नॉट पी बी क्या है हमारा, यानी कि पी और सबस्क्रिप्ट में हम बी लिखे हैं, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को देखिए ए को हम किससे डिनोट करते हैं ये सब पता है आपको, ठीक है, सॉल्वेंट को, और बी से हम डिनोट करते हैं सॉल्यूट को, ठीक है, ये हम लोग नहीं करते, ये बुक कहता है, ठीक है, ये बुक कहता है हर एक बुक में ऐसे ही, ठीक है, तो जो लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या होगा, ये सॉल्यूशन के लिए, यहाँ से देखिए पी नॉट ए जो है अगर हम लिखना चाहें तो क्या है, ये वेपर प्रेशर है, बट ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट के लिए, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल ऑफ ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए, और पी नॉट बी के लिए अब देख लेते हैं, पी नॉट बी क्या होगा हमारा, इसको हटा दें, इसको हटा दें, ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, ठीक है, ये हमारा प्योर सॉल्यूट के लिए हो गया, और हमारा यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिख देते हैं आप, ठीक है, तो पूरा हटाना पड़ जाएगा नहीं तो फिर यहाँ पे देखिए एक्स ए, फिर नेक्स्ट लाइन में आप यहाँ पे लिखेंगे नीचे, ठीक है, एक्स ए यानी कि मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ये क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन है हमारा, ये हमारा मोल फ्रैक्शन है ऑफ ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है,
क्लियर है? अच्छा, और ये हमारा एक्स बी जो है हमारा, ये है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये आपको लिखना पड़ेगा, फुल मार्क्स चाहिए तो पूरा लिखना पड़ेगा, ये सब बताना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और ये आपका ज़्यादा मार्क्स में पूछता है, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, ठीक है। 3 मार्क्स में रहेगा तो ये सब नहीं लिखने का जरूरत है। अगर 3 मार्क्स में दिया तो ये पी एक्स ए किसको कहते हैं, पी नॉट बी किसको कहते हैं, ये नहीं लिखने का जरूरत है, यहाँ तक प्रूफ कर दीजिएगा, हो जाएगा। 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स से ऊपर मार्क्स यानी कि है अगर 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, तो उसमें आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, वो बताना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये जो है हमारा रहा, यहाँ पे आपका लास्ट होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आया, कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, आई होप। अच्छा, इसका एक आइडियल सॉल्यूशन है, चूंकि एक, ठीक है, ये क्या है, एक आइडियल सॉल्यूशन, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल वही हो गया। तो इसका कुछ ग्राफ भी जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, प्लॉट करते हैं, ग्राफ देखते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या ड्रॉ कर दें हम, या फिर ठीक है डिराइव कर लेंगे, वो अलग बात है, ठीक है। अब थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं आइडियल का, आइडियल सॉल्यूशन, और या फिर बोल सकते हैं ग्राफ और राउल्ट्स लॉ। चलिए, इसको हटा दे पूरा क्या, चलिए हटा देते हैं, पूरा पूरा हटा देते हैं, और थोड़ा सा ग्राफ को देख लेते हैं, ठीक है। ग्राफ को थोड़ा सा देख लिया जाए, ग्राफ वैसे पूछता नहीं है, ग्राफ पूछेगा तो आप वहाँ, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाया जाए। तो ग्राफ में आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका कुछ इस तरह बनता है हमारा ग्राफ, ठीक है। ये 2 डायरेक्शंस हो गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या होगा, इंटरसेप्ट, ये स्ट्रेट आप बनाएंगे, ठीक है। मेरे से ऐसे बोर्ड पर उतना अच्छे से नहीं बन रहा, ठीक है। ये आपका क्या है, इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट इक्वल्स टू पी नॉट बी, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ से आपका एक स्लोप निकलेगा, ठीक है, ये आपका स्लोप हो गया, तो हम इसको कहेंगे एक थीटा मान लेते हैं, सपोज कि हमारे पास थीटा डिग्री है, ठीक है, एक, तो ये हो गया हमारा स्लोप इक्वल्स टू, स्लोप इक्वल्स टू टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक है। तो क्लियर है, ये हो गया स्लोप। अच्छा, ये क्या है, इस तरफ, इस तरफ है आपका टोटल, टोटल वेपर प्रेशर, वीपी लिख दे, समझ जाएंगे आप, टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है, वीपी लिख दे रहे हैं, यानी कि पीएस बोल लो या पीटी बोल लो, ठीक है, क्लियर। ये आपका ब्रैकेट में, चलिए। और यहाँ पे आपका क्या होगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, ठीक है, इस तरफ, और ये इस तरफ आपका ये चीज़, ठीक है। चलिए, ये क्लियर है। तो ये है आपका ग्राफ, और इसमें एक मेन पॉइंट जो हमें लिखना है कि एक ग्राफ बिटवीन बिटवीन टोटल वेपर प्रेशर, बिटवीन टोटल वेपर प्रेशर, पीटी या पीएस बोल लीजिए, ये क्या होगा आपका, एंड एक्स ए बोल लो, या फिर हम एक्स ए बोल ले या एक्स बी बोल ले, ठीक है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बोल लीजिए या सॉल्यूट बोल लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या होगा, यहाँ पर ये क्या होगा आपका, इज ऑलवेज स्ट्रेट होगा, इज ऑलवेज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आया। अच्छा, इसी में जो इसे आपका आइडियल करके देता है, मान लीजिए कि आइडियल करके दे रखा है, या यही ग्राफ, ठीक है, बनाना है तो एक देखिए बुक में बहुत तरीके से बनाया रहता है, बहुत तरीके से समझाया रहता है, ठीक है। तो एक और तरीका इसको क्या है, वो अभी आपको बता दे रहे हैं, बहुत ही जनरल है ये आपको और आसान से याद रहेगा। क्या करते थे हम लोग, एक कंटेनर लेते थे, ठीक है, एक इस तरफ से एक लाइन ड्रॉ करते थे, एक इस तरफ से लाइन ड्रॉ करते थे, और एक ऐसे ड्रॉ करते थे, ठीक है। तो देखिए, ये जो लाइन होगा ना, ये थोड़ा सा छोटा होता था, ये बड़ा होता था, ये वाला, ठीक है, ये बड़ा, ये छोटा, ठीक है। इसको लाइन को थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता था, ये चीज आपको पता चल गया, ये आपका ये लिखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग करते क्या थे, एक हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर बनाते हैं और एक बड़ा एक छोटा लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है,
एक कंटेनर बना लिए और इसमें एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन, ठीक है, ये छोटा ये तो और बड़ा, ठीक है, और यहाँ से एक ऐसे ड्रॉ करते थे, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन है, ये भी बनाइएगा तो सही हो जाएगा, ये भी बनाइएगा तो सही हो जाएगा, कोई भी ग्राफ आप बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर है बात, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी आप ग्राफ बिल्कुल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप ए मान लीजिए, आप इस पॉइंट को, ये आप बी मान लो, ठीक है। अब करना क्या है यहाँ से, ये आपका यहाँ पे लिखना है एक्स ए जो होगा, एक्स ए जो होगा आपका, ठीक है, ध्यान देंगे, ये जो आपका एक्स ए होगा, ठीक है, ये एक्स ए होगा, यहाँ पे वन मान लिए, ठीक है, ये आपका वन माना जाता नहीं है, यहाँ पे वन लिया जाता है, और यहाँ पे आपका क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे एक्स बी हमारा क्या होगा, यहाँ जीरो होगा, तो यहाँ पे एक्स बी क्या होगा, यहाँ वन होगा, क्लियर है, क्लियर है। थोड़ा सा इधर कट रहा है, थोड़ा कट रहा है, लग रहा है ऐसे कट रहा है, तो इधर लिख दिया जाए, ये जीरो, ये आपका बी वन, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा। तो चलिए यहाँ पे आपका ये लाइंस क्या दिखा रहा है पहले इसको भी बताना पड़ेगा। तो ये आप पी एस लिख लो या पी टी लिख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, पी ए प्लस पी बी होता है, लिख देंगे। और ये जो लाइन है आपका ना, ये जो लाइन है आपका, ये ध्यान रखेंगे, ये आपका क्या है पहले तो ये लिख लीजिए, ये वेपर प्रेशर है, ठीक है, और ये आपका मोल फ्रैक्शन को शो कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, या आप सिंपल आप मोल फ्रैक्शन लिख दीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम दोनों अलग अलग बता चुके हैं ऑलरेडी। तो मोल फ्रैक्शन आप लिखिएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बस दिखाएंगे, और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ये जो लाइन है हमारा, ठीक है, ये आपका पी नॉट, ये आपका सॉल्वेंट का है ना, ए पे जा रहा है, ए पे मिल रहा है, ठीक है, ए पे मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा आपका, पी पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये जो लाइन जा रहा है जो बी से के पास जा रहा है, ठीक है, ये आपका पी बी हो गया, कितना हो गया, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मिक्सअप हो गया है वो आप समझ रहे हैं ना, क्लियर है। ये बनाइए, दोनों में से कोई भी ग्राफ आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डेरिवेशन रहा, ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है, समझ में आया हो, समझ में आया हो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, ठीक है, आगे की जो भी वीडियोस मिले वो आप तक सबसे पहले मिले, आप क्या करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ठीक है, सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पे टीपिए, ठीक है, प्रेस कीजिए, और आप उसके बाद बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, सो डैट की आगे की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है, जो भी वीडियोज़ नहीं आए। सो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।